जय हिंद दोस्तों। रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका पैर का स्टेप खुलता नहीं, आपका पैर छोटी छोटी स्टेप लेके दौड़ता है। तो आप ऐसे पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा तो आपका पैर का स्टेप लॉन्ग जाए। बहुत लड़का है जो पैर खींच के ऐसे ऐसे दौड़ता है, बहुत है कि ऐसे छोटा छोटा दौड़ता है। तो ऐसे जो दौड़ता है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज, जो आप इस एक्सरसाइज को यदि आप फॉलो कर लिए तो आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा, टाइमिंग भी घटेगा और दूसरे नंबर पर आपका स्टेप अच्छा खुलने लगेगा। तो आइए कुछ ऐसे एक्सरसाइज को करते हैं जिसके माध्यम से आपका पैर का स्टेप लंबा लंबा खुलेगा। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका ये पैर का जो है, पैर जो है वो काफ़ी खुलेगा, ये जो लॉक जो आपके सिस्टम हो गई है उसको वो ओपन करेगा। यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका पैर आगे नहीं खुल रहा है यहाँ से, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज आप ये एक्सरसाइज को कीजिएगा तो आपका पैर का स्टेप लॉन्ग करेगा, यहाँ से भी खुलेगा और यहाँ से भी खुलेगा। यदि हम दौड़ते हैं तो हमारा बॉडी में लचक नहीं होती, यदि हम रनिंग करते हैं तो हमारा बॉडी लचक नहीं करती, क्योंकि मेरा स्टेप खुलता नहीं। तो हम जब भी अपने नीचे का फोर्स उत्पन्न करते हैं तभी मेरा पैर जल्दी जल्दी बिकता है। इसके लिए आपको पैर को स्टेप को जल्दी जल्दी उठने के लिए आपको ये एक्सरसाइज बेस्ट है। ये आपका पैर यदि आपका ओपन पूरा नहीं होगा, यदि आप जानते हैं कि जब तक मेरा पैर खुलेगा नहीं जब तक स्टेप लंबा जाएगा नहीं, तो आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा तो आपका स्टेप लंबा हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट अप बोलेंगे, डाउन अप, लचक दे डाउन, पूरा लचक दे अप डाउन अप। आप लचक बना के बाहर से रहेगा तब ना बिगड़ेगा, इनका खोल रहे हैं तो आपका यहाँ का मसल स्ट्रेच होगा, आपका ये भी मसल स्ट्रेच होगा। बहुत लड़का का ये मसल स्ट्रेच नहीं होता है जिससे पैर आपको खोलने में हेल्प नहीं होता है, तो ये भी स्ट्रेच करेगा और यहाँ ये दो फायदा होता है और एक कमर को लचीला पर पैदान करेगा। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यदि आप इतना एक्सरसाइज करते हैं तो आपका रनिंग का टाइमिंग एक महीना के अंदर यदि आपका 5 लग रहा होगा या 5.5 लग रहा होगा तो आपका टाइमिंग एक महीना के अंदर 4:20 हो जाएगा। यदि आपका टाइमिंग 6 मिनट लग रहा होगा तो आपका टाइमिंग 5 के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जब भी कीजिएगा रनिंग के बाद करना है, पहले आप वार्म अप कीजिए, अपना जो रनिंग का शेड्यूल है वो कीजिए, वर्कआउट कीजिए, उसके बाद में ये कीजिए और इसके बाद आप कूल डाउन जरूर कीजिएगा। कूल डाउन यदि नहीं कीजिएगा तो आपका बॉडी में हो सकती है, आपका क्रैम्प आ सकती है, दर्द हो सकती है, इसलिए कूल डाउन हो सकता है। थैंक यू।